एवरीवन, वेलकम टू खत्रीज किचन। आज मैं लेकर आई हूँ मालपुए बनाने की रेसिपी। इसे हम आटे से बनाएंगे, यानी कि व्हीट फ्लावर से। बहुत ही टेस्टी होते हैं, मीठे मीठे, एकदम चाशनी से भरे हुए। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी नई नई रेसिपीज़ आपको नोटिफिकेशन से अपने आप ही मिलती रहेगी। तो मालपुए बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 कप गेहूँ का आटा, यानी कि व्हीट फ्लावर। आप चाहें तो इसकी जगह पर मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक मीडियम साइज़ का कप ले लीजिए, उसकी मेजर से आप 2 कप आटा ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ले लिया है आटा और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्का गर्म दूध, यानी कि गुनगुना दूध। पहले यहाँ पर मैं 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर दूसरा और ये 2 कप। टोटल मैंने यहाँ पर 2 कप दूध यूज़ में ले लिया है, 2 कप आटे में 2 कप दूध, और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें और दूध ऐड करेंगे। तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं बैटर जो है वो काफ़ी गाढ़ा है। इसको एक ही ओर लगातार चलाते रहेंगे। आप चाहें तो 1 कप मैदा 1 कप आटा ऐसे भी बना सकते हैं। और अभी यहाँ पर मैं ये 3रा कप मैंने दूध लिया है, इसको पहले मैं हाफ ही ऐड कर लेती हूँ और इसको लगातार अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर ब्लेंडर भी घुमा सकते हैं या फिर मिक्सी के अंदर भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा बैटर जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन हल्का सा और गाढ़ा है। तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर और दूध ऐड कर देती हूँ। इसके अंदर लम्ब्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, तो इसको लगातार चम्मच से चलाते हुए बैटर तैयार कर लें। तो ये हमारा बैटर ऑलमोस्ट तैयार है। अब मैं इसे क्या करूँगी, एक बार विस्कर की सहायता से इस तरह से विस्क कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसमें ब्लेंडर घुमा दीजिए, इससे क्या है इसके अंदर बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं रहेंगे। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ फूड कलर, ये है मेरे पास केसर येलो फूड कलर। अगर आपके पास है तो ऐड कीजिएगा और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है मालपुए में। तो इसको हम लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए इसको फेंट लेंगे अच्छे से, ताकि एकदम स्मूथ हो जाए बैटर जो हमने ये बनाया है। और ये एकदम परफेक्ट बैटर तैयार है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। इस तरह का हमें बैटर चाहिए। ये देखिए एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि मैंने कितना दूध काम में लिया है। 2 कप हमने पहले लिया था और उसके बाद में करीबन 3/4 कप हमने और काम में लिया था। यहाँ पर इसको ढक्कन लगाकर 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए 2 कप + 3/4 कप थोड़ा सा दूध रह गया है। और बैटर हमारा रेस्ट करने के लिए हमने रखा है जब तक हम इसकी शुगर सिरप बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ली है 2 कप शुगर, तो जिस कप की मेजर से हमने आटा लिया था उसी कप की मेजर से यहाँ पर मैं 2 कप चीनी ले रही हूँ। और इसके अंदर हम डाल देते हैं 1.5 कप पानी, 1 कप और दूसरा आधा कप। मैंने यहाँ पर दूसरा आधा कप डाला था, लेकिन उसका जो है वो शूट नहीं हो पाया, वो कट गया था। और यहाँ पर मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। पहले हम इसको हाई फ्लेम पर इसको चलाते हुए, शुगर जब तक अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए तब तक इसको चलाते रहेंगे। 2 कप शुगर में हमने डाला है 1.5 कप पानी और इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए शुगर जो है वो मेल्ट हो गई है, इसमें उबाल आ गया है। गैस की फ्लेम हम लो कर देते हैं और 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे से उबलने देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ केसर के धागे करीबन 10 से 12। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। और इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम हमने लो रखी है, इसकी हमें आधे तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। और अब इसमें लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर, केसर येलो कलर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड करिए और नहीं है तो पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसको लगातार चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर, और यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। शुगर सिरप जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए और एकदम पतली भी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे अंगूठे और उंगली के बीच में इस तरह से लेके इसको चेक करेंगे। ये देखिए एक पूरा तार नहीं बन रहा है, ये टूट रहा है। तो ये हमारी परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार है, आधे तार की चाशनी। बस इसी तरह की चाशनी हमें चाहिए।
तो ये शुगर सिरप एकदम रेडी है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको हम साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर हमने मालपुआ बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन काम में लिया है। बहुत ज़्यादा ऊंचे तलिए वाला आप पैन नहीं लीजिएगा। और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 कप घी। आप चाहें तो मालपुए ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में हम फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। घी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। और बैटर हमारा तैयार हो गया है, अब इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। और अभी 1 चम्मच भर के मैं इसके अंदर सेंटर में डालूंगी इस तरह से। इसको हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, 1 चम्मच इस तरह से भर के इसके अंदर डाल देना है। फैलाना नहीं है, छेड़ना भी नहीं है। और ऊपर से हम क्या करेंगे, चम्मच से जो है वो साइड से घी लेके इसके ऊपर की ओर हम इस तरह से डाल देंगे ताकि बीच से भी ये अच्छे से फ्राई हो जाए। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा और जल जाएगा, लो फ्लेम पर बहुत ज़्यादा घी पिएगा। तो इस तरह से चम्मच से इसके ऊपर घी को हम डालते रहेंगे। नीचे से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसको हम पलट देंगे। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मालपुए बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। ये देखिए इसका कलर बहुत ही सुंदर आया है। इसको मैंने पलट दिया है, लेकिन अभी इसमें कसर बाकी है, इसको पकाना बाकी है अभी। और इसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे दोनों ओर। तो इसको बार बार पलटते हुए हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए दूसरी ओर भी बहुत ही अच्छा कलर आया है। गैस की फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखी है। आप इस तरह से मालपुए बनाइए, पूरी वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप भी ज़रूर बनाना, घर में सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। और इसको मैंने फिर से एक बार पलट दिया है और ये हमारा मालपुआ बनकर तैयार है। अब हम इसे चाशनी के अंदर डिप करेंगे। चाशनी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, हल्की गर्म यानी कि लुक वार्म। और गर्म गर्म मालपुआ फ्राई करके इसके अंदर हमें डालना है। और इसको करीबन 1 से 2 मिनट का इसको इस तरह से हम प्रेस करते हुए डिप करेंगे। इसके अंदर छोड़ नहीं देना है, 1-2 मिनट तक इसको डिप करके रखें, फिर इसको निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा देर तक अंदर रखेंगे तो अंदर जाके टूट जाएगा। और ये देखिए एकदम परफेक्ट, इसको हम प्लेट में निकाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 मालपुआ बनाकर तैयार किया है। यहाँ पर मैं इसको झारी में निकाल रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा चाशनी जो है वो नीचे कढ़ाई में आ जाए। इसको मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। और अब इसी तरह से हम बाकी के मालपुए बना लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं 2 से 3 मालपुए बना रही हूँ। आप चाहें तो बड़े बड़े मालपुए बना सकते हैं, लेकिन बड़े को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं छोटे छोटे 1-1 चम्मच बैटर लेके ही बना रही हूँ। बस सेम प्रोसेस है, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखिए, घी को या फिर ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखें और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। आप चाहें तो 2, 3, 4 जितना आपके पैन में स्पेस है आप उतने बना सकते हैं। और आप इनको कढ़ाई में नहीं बनाइए, इसी तरह का पैन ले लीजिए। अगर आपके पास आयरन वाला पैन है तो वो भी ले सकते हैं। और घी भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, 1/2 इंच तक ही हमने घी को रखा है। बहुत ज़्यादा घी नहीं होना चाहिए वरना उसकी पूरियां बन जाएगी। हमें इसकी पूरियां नहीं बनानी है, मालपुए बनाने हैं। और आपको लगता है कि घी एकदम तलिए में कम हो गया है तो आप थोड़ा सा और घी डाल सकते हैं या फिर ऑयल। तो ये देखिए मैंने ये दूसरा लॉट भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। बहुत ही बढ़िया मालपुए बने हैं। इनको मैं निकाल कर शुगर सिरप में डाल देती हूँ। और ये देखिए अभी इसको भी मैं करीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छे से डिप कर लेती हूँ और इसके बाद हम निकाल देंगे। तो कितना आसान है ये मालपुए बनाना आटे से, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा घर में, बच्चे बड़े या फिर कोई गेस्ट भी आए तो आप बना कर रख सकते हैं, गर्मा गर्म बना सकते हैं। इस बैटर को आप बनाकर 1 दिन के लिए आराम से फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं कंटेनर में भर के। और इसको भी मैं निकाल देती हूँ जारे में ताकि एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाए। तो इसी तरह से सारे के सारे मालपुए आप बनाकर तैयार कर लें, गर्मा गर्म खाएं, बहुत ही मज़ेदार और चाशनी से भरे हुए स्वीट स्वीट बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा शुगर सिरप डाल देती हूँ। 2 कप आटे में मैंने यहाँ पर करीबन 15 से 16 मालपुए बनाए हैं। आप चाहें तो इसकी आधी क्वांटिटी में सारी चीज़ें लेके बना सकते हैं, चाहें तो डबल क्वांटिटी में लेके बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं गार्निश कर रही हूँ पिस्ता के टुकड़ों के साथ। तो कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइए कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ
अंदर से कितने बढ़िया हैं, ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है और शुगर सिरप से भरा हुआ मीठा मीठा। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ।